मेंटल हेल्थ एंड साइकोपैथोलॉजी में आज जिस स्पेक्ट्रम को हम डिस्कस करेंगे वो है फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। इस स्पेक्ट्रम में एक लॉन्ग टर्म डिस्टर्बेंस रहती है जो कि है ईटिंग रिलेटेड बिहेवियर्स, जिसकी वजह से इंसान कोई भी खाना और कोई भी चीज़ खा लेते हैं और एज अ रिजल्ट फिजिकल हेल्थ और साइकोसोशल फंक्शनिंग पर बहुत असर होता है। ईटिंग फीडिंग डिसऑर्डर के स्पेक्ट्रम में एक वक्त पर सिर्फ एक ही डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि इस स्पेक्ट्रम में साइकोलॉजी और बिहेवियर फीचर्स तो कॉमन होते हैं, यानी खाने से रिलेटेड होते हैं, लेकिन उनके कोर्स, आउटकम और ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं। इसलिए एट अ टाइम सिर्फ एक ईटिंग या फीडिंग डिसऑर्डर होता है। ईटिंग फीडिंग स्पेक्ट्रम में कुछ डिसऑर्डर्स इंक्लूड हैं जो कि हैं पीका, रुमिनेशन डिसऑर्डर, अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। पीका एक लैटिन वर्ड है जो कि यूज होता है मैगपाई के लिए। मैगपाई एक बर्ड होता है जो कि हर चीज़ खा लेता है। 10-32% बच्चों में से जिनकी एज 1-6 है उन्हें पीका डिसऑर्डर होता है। लेट्स लुक ऑन टू डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फ्रॉम DSM-5। पीका का फर्स्ट क्राइटेरिया कहता है कि पीका डिसऑर्डर में परसिस्टेंट ईटिंग होती है एटलीस्ट 1 मंथ तक, यानी कि इंसान ऐसी चीज़ें खाता है जो कि नॉन न्यूट्रिटिव और नॉन फूड सब्सटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक केस था जिसमें एक बच्चे को पीका डिसऑर्डर था जिसमें कि वो बालों का गुच्छा, कॉकरोचेस और कुछ भी इस तरह की चीज़ें खा लेता था। क्राइटेरिया बी इज द ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव non-food substances is inappropriate to the developmental level of the individual. यानी बच्चे तो exploring process में होते हैं और वो हर चीज़ खा लेते हैं, तो इसी तरह से अगर बड़े भी हर चीज़ खा लेंगे तो वो inappropriate होता है to the developmental level of individual. Criteria C is the eating behavior is not part of a culturally supported or socially normative practice. यहाँ पे वी कैन से जैसे कुछ लोगों के कल्चर्स होते हैं जैसे मुल्तानी मिट्टी खाना, लेकिन ईटिंग डिसऑर्डर में पीका बिहेवियर इसका पार्ट नहीं होता। क्राइटेरिया डी इज इफ द ईटिंग बिहेवियर अकर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनदर मेंटल डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सिज़ोफ्रेनिया और मेडिकल कंडीशन इंक्लूडिंग प्रेगनेंसी, it is sufficiently severe to warrant additional clinical attention. It means कि अगर eating behavior किसी mental या medical condition में होगा तो additional tests और additional attention required होती है। जो substances ingest किए जाते हैं वो vary करते हैं age और availability पे। इसमें शामिल होते हैं paper, soap, cloth, hair, string, wool, soil, chalk, talcum powder, paint, गम, मेटल, पेबल्स, इसके अलावा चारकोल और कोल, एश, क्ले, स्टार्च एंड आइस। नॉन फूड की टर्म पीका में इसलिए शामिल की गई है क्योंकि नॉन फूड के जो फूड्स होते हैं उसमें कोई बेनिफिट या न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, लेकिन कभी कभी इस तरह के फूड्स के नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक केस था जिसमें एक वुमेन थी, वो माचिस को जला कर उसका जला हुआ मसाला खाती थी। अब उसमें हेल्थ बेनिफिट तो कोई नहीं है, लेकिन उसमें साइड इफेक्ट्स नज़र आए थे। उस वुमेन का जब टेस्ट किया गया तो रिजल्ट में पता चला कि उसके इंटेस्टाइनल वॉल्स में होल्स हो गए थे। पीका के डायग्नोसिस की जो मिनिमम एज है वो 2 ईयर्स की है। कुछ इंस्टेंसेस में विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी नज़र आती है। वाइल इन सम केसेस पीका कम्स टू क्लिनिकल अटेंशन ओनली फॉलोइंग जनरल मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल बॉयल प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन that resulting from basal intestinal perforation infections such as toxoplasmosis and toxocariasis as a result of ingesting feces or dirt, poisoning such as by ingestion of lead-based paint. Pica ka onset kabhi bhi ho sakta hai like childhood, adolescence or adulthood mein, lekin childhood ka jo onset hai wo bahut zyada common hai. चाइल्डहुड में तो पीका डिसऑर्डर कभी भी हो सकता है, लेकिन एडल्ट्स में ये सिर्फ तभी होता है जब कोई इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी और मेंटल डिसऑर्डर्स हो। द ईटिंग ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव नॉन फूड सब्सटेंसेस में आल्सो मैनिफेस्ट इन प्रेगनेंसी व्हेन स्पेसिफिक क्रेविंग्स एग्जांपल चॉक और आइस माइट अकर। द डायग्नोसिस ऑफ पीका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ओनली एप्रोप्रिएट इफ सच क्रेविंग्स लीड टू द इंजेस्शन ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव non-food substances to the extent that the eating of these substances possess potential medical risks.
यानी पी का डिसऑर्डर फेटल डिपेंड करता है सब्सटेंस इंजेस्शन पर। दैट्स ऑल अबाउट पी का डिसऑर्डर। नाउ टाइम टू से गुड बाय। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। गुड बाय।